मैं आपका दोस्त जतिंदर। दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं, अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको थंब इमेज बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी सारी वीडियो पे, आप थंब इमेज को देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी थंब इमेज बनाई हुई है। अपने हर वीडियो के ऊपर एक अलग अलग टाइप की मैंने थंब इमेज बनाई हुई है। बेसिकली थंब इमेज बनाने के लिए आपको क्रिएटिव को बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता हो कि थंब इमेज में आप क्या क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, बट आपको इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है थंब इमेज कैसे बनानी है। तो इसमें आपकी मदद करता है एआई का एक टूल। तो मैं आज उस टूल के ऊपर आपको काम भी करके बताऊंगा और थोड़ा सा बताऊंगा भी उस टूल के बारे में, आप किस तरह काम कर सकते हैं। और उस टूल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं वो टूल को यूज़ करना, तो डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके वो टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये है वो टूल जिसके बारे में बात कर रहा था। बिल्कुल ही फ्री मेकिंग टूल है, तो आप इसे बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन कीजिए आप अपनी ईमेल आईडी से, जैसे कि मैं अभी लॉगिन हो गया हूँ अपनी ईमेल आईडी से। तो वैसे ही आपने लॉगिन होना है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपने जनरेट करना है। यहाँ पे बस आपने कुछ भी लिख देना। जनरली मैं ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ, और किसी भी इमेज को आप उठा के डाल दीजिए। मैंने ऐसे ही कोई रफली इमेज डाल दी, और दोबारा नीचे भी कुछ ऐसे लिख दिया। अगर आप फ़ोटो को कोई कीवर्ड देना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए, एंड जनरेट। एक रफली आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ कि रफली कैसा लगता है। तो ये ऑटोमेटिकली उस इमेज को लेके अपने हिसाब से एक फ़ोटो को जनरेट कर लेगा। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसने ऑटोमेटिकली उस चीज़ को पकड़ा और उसे चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि कोई कंटेंट बहुत बड़ा आ रहा है, तो आप चाहें तो उसे छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये कंटेंट बहुत बड़ा आ रहा था, मैंने इसे और छोटा कर दिया। अब इस कंटेंट को भी आप छोटा कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें तो कंटेंट को रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये फ़ोटो भी बहुत बड़ी दिखा रहा है, हमें इतनी बड़ी फ़ोटो नहीं दिखानी है, तो आप इसको भी छोटा कर सकते हैं, खींच सकते हैं, छोटा कर लीजिए और छोटा कर लीजिए। जितना चाहे आप उतना इसे छोटा कर सकते हो, अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे आप हेयर ट्रांसप्लांट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सर्विस वगैरह लिख सकते हैं, जो भी आए आप लिख सकते हैं। एक रफली आपको बना के दिखाया मैंने कि इस तरह आप इसे जनरेट कर सकते हैं, और इसे आप सेव भी कर सकते हैं और सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप कोई पिक्चर चाहते हैं यूज़ करना, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि ये लड़की है, इसकी पिक्चर आपने यूज़ करनी है, तो इसकी साइज़ बहुत बड़ा है, इसे साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं। आप ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये यूज़ करना चाहते हैं यूट्यूब का, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसे। इसको थोड़ा सा यहाँ ले आइए, इसको ऐसे ले आइए, ऐसे ले आइए, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन दी हुई है, बट आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ सी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई फ़ोटो सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो फ़ोटो का नाम लिखिए और सर्च कर लीजिए जो भी आप पिक्चर चाहते हैं। बिल्कुल फ्री है पिक्चर। जैसे कि अब मैं लिखता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, बड़ा सिंपल सा लिखता हूँ, हेयर के नाम से हेयर लिख देता हूँ, क्योंकि हेयर की तो पिक्चर मिल ही जाएगी इसे कहीं ना कहीं से। बट हेयर लिखा है तो हेयर के ऊपर देखिए कितनी सारी पिक्चर इसने मुझे दे दी। यहाँ पे अलग अलग टाइप की इतनी सारी पिक्चर आ गई है। आप चाहे तो इस पिक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी चीज़ें दी गई है। फ़ोटो जो आप फ़ोटो सेव करो वो यहाँ आ जाएगी। जो आप लिखना चाहते हो यहाँ से आप टेक्स्ट लेके लिख सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो थीम को, यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल है, बेसिकली सारा काम ये खुद ही करता है। बस हमने कीवर्ड या उन चीज़ों को सेट करके रखना होता है, बाकी ये सारा काम खुद करता है। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।